ब्रूस ली भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वह मार्शल आर्ट के सरताज कहे जाते हैं। दुनिया के मशहूर मार्शल आर्ट आर्टिस्ट ब्रूस ली के एक्शन का हर कोई दीवाना है। ब्रूस ली के स्टंट देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग तो उन्हें 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी मानते हैं। 1973 में दुनिया के बेहतरीन मार्शल आर्ट आर्टिस्ट ब्रूस ली की अचानक मौत ने सबको हिला दिया था और इनकी मौत एक रहस्य बन गई थी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ब्रूस ली का जन्म तब हुआ जब चीनी ओपेरा स्टार उनके पिता अमेरिका के दौरे पर थे। कभी चुस्ती और फुर्ती का पर्याय रहे ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दुनिया के इस सबसे मशहूर मार्शल आर्ट आर्टिस्ट की लंबाई 5 फीट 4 इंच थी। वजन मात्र 64 किलो था, लेकिन माना जाता है कि उनमें ताकत फौलाद की तरह थी। उन्होंने खुद को विशेष तरह के मार्शल आर्ट से लैस कर दिया था। बतौर फिल्म अभिनेता जब वो प्रसिद्धि के चरम पे थे, तभी सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आइए जानते हैं उनके बारे में। ओपेरा गायक थे उनके पिता। ब्रूस ली के पिता ली होई चुएन कैंटोनेज ओपेरा गायक थे। उनकी मां तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश के सबसे धनी और प्रसिद्ध यूरेशियन परिवार में से एक थी। वो स्कूल में अंग्रेजी सीखते हुए और घर पर चीनी बोलते हुए बड़े हुए। ली अभी 4 महीने के ही थे कि उनका परिवार हांगकांग में कावलून लौट आया। वह बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में अभिनय करने लगे। 5 साल की उम्र में ब्रूस ली द बर्थ ऑफ मैनकाइंड 1946 और फू गुई फू यू 1948 सहित फिल्मों में बच्चों की भूमिकाओं में नजर आने लगे थे। 12 साल की उम्र में ब्रूस ली लॉस हिल कॉलेज जाना शुरू कर चुके थे। एक बार ब्रूस ली को स्ट्रीट गैंग के कुछ लोगों ने पीट दिया। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने की ठानी। उन्होंने 5 वर्षों तक विंग चुन कुंग फू की शिक्षा ली। ये ली द्वारा किया गया एकमात्र औपचारिक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण था। इसके बाद उन्होंने जो सीखा खुद से सीखा और अपना एक नया मार्शल आर्ट फॉर्म तैयार किया। ब्रूस ली ने डांस की भी ट्रेनिंग ली थी। उन्हें चाचा डांस बहुत पसंद था। उन्होंने 18 साल की उम्र में हांगकांग में एक प्रमुख डांस चैंपियनशिप भी जीती थी। अमेरिका में मशहूर लोगों को मार्शल आर्ट की पर्सनल ट्रेनिंग देते थे ली। 1959 में ब्रूस ली अमेरिका लौटे। उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और सिएटल में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। 1964 में उन्होंने लिंडा एमरी से शादी की, जिन्होंने 1965 में ब्रेंडन ली को जन्म दिया। इसके बाद दंपत्ति को एक और बच्चा हुआ। 1966 ली लॉस एंजलिस चले गए। ली अमेरिका के कराटे टूर्नामेंटों में भी दिखाई दिए। वो अभिनेता स्टीव मैकविन सहित अन्य कई मशहूर लोगों को मार्शल आर्ट की पर्सनल ट्रेनिंग भी देते थे। फिर लौटे हांगकांग। हॉलीवुड में उन्हें अच्छा मौका मिल नहीं रहा था, इसीलिए वो 1970 के दशक की शुरुआत में हांगकांग लौट आए। उन्होंने एक्शन फिल्म द बिग बॉस 1971 की। ये दर्शकों को खूब पसंद आई और वो एशिया में एक स्टार के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद ली ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन की स्थापना की। अपनी अगली फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन 1972 में ली ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि लेखन और निर्देशन की भी जिम्मेदारी उठाई। अब तक ली हॉलीवुड की नजरों में आ गए थे। उनकी अगली फिल्म एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ली की मौत हो गई। 1973 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग का काम पूरा हो गया था। बाद के वक्तों में ब्रूस ली पोस्ट प्रोडक्शन के काम में जुटे हुए थे। दोस्तों और सहकर्मियों के मुताबिक इस दौरान ब्रूस ली की तबीयत ठीक नहीं थी और 20 जुलाई 1973 को उनकी मौत हो गई। मौत से पहले ली अभिनेत्री बेटी टिंग के अपार्टमेंट में थे। अभिनेत्री ने उन्हें इक्विजेसिक नामक एक दवा दी। ली आराम करने के लिए लेटे और फिर कभी नहीं उठे। अपनी मृत्यु से कई महीने पहले ली ने शरीर में पसीने बहने वाली ग्रंथि को ऑपरेशन के जरिए निकलवा दिया था। उन्हें लगता था कि स्क्रीन पर उनके गीले अंडरआर्म्स खराब दिखते हैं। इससे उनके शरीर की गर्मी सहने की क्षमता कम हो गई।
अपनी मौत से 10 सप्ताह पहले ली एंटर द ड्रैगन के संवाद को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटे से डबिंग रूम में थे। इंजीनियर्स ने एयर कंडीशनर को बंद करवा दिया ताकि इसके शोर से साउंड ट्रैक खराब ना हो। डबिंग रूम में करीब 30 मिनट रहने के बाद ली बेहोश हो गए थे। उनके शरीर में ऐंठन होने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां मुश्किल से उनकी जान बची। माना जाता है कि ली की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई थी। कई थ्योरीज। ली का शव सिएटल गया, वहीं उन्हें दफनाया गया। 32 वर्ष की कम उम्र में उनकी अचानक मृत्यु से उनके निधन को लेकर कई अफवाहें और अटकलें लगने लगी। ये माना गया कि ली की हत्या चीनी गैंगस्टरों द्वारा की गई थी, जबकि एक अन्य अफवाह फैली कि अभिनेता एक अभिशाप का शिकार हो गया था। अभिशाप वाली थ्योरी एक बार फिर तब चर्चा में आई जब ली के 28 वर्षीय बेटे ब्रेंडन की 31 मार्च 1993 को फिल्म द क्रो के सेट पर शूटिंग के दौरान मौत हो गई। जूनियर ली की सिएटल के लेक व्यू कब्रिस्तान में उनके पिता के बगल में दफनाया गया। पत्नी ने किया फ्लूइड डाइट का जिक्र। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ने एक बार उनकी फ्लूइड डाइट का जिक्र किया था। वे नियमित रूप से गाजर और सेब के जूस का सेवन करते थे। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में आई बुक ब्रूस ली अ लाइफ में भी लेखक मैथ्यू पॉली ने एक्टर के रोजाना ज्यादा पानी पीने के बारे में बताया था। ब्रूस ली को बीमारी के कई खतरे थे। रिसर्च का कहना है कि वे जरूरत से ज्यादा फ्लूइड डाइट लेते थे। उनकी शारीरिक गतिविधियां भी ऐसी थी जिससे प्यास ज्यादा लगती थी। गांजे और अल्कोहल जैसे ड्रग्स के लगातार इस्तेमाल से भी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, जिससे फिल्टर करने की क्षमता पर असर पड़ता है। ज्यादा पानी पीने से हुई मौत। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि ब्रूस ली की मौत अत्यधिक पानी पीने से हुई थी। जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो अत्यधिक पानी बाहर नहीं निकल पाता, तब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रूस ली ने भी इसी वजह से कम उम्र में अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा उनकी किडनी भी अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में फेल रही, जिससे उनके खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो गई। हालांकि तब डॉक्टर्स ने मौत की वजह पेन किलर लेने की वजह से ब्रेन में सूजन आना बताया था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।